हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में बीते 8 फरवरी को अतिक्रमण हटाने के दौरान उपद्रव करने वालों पर लगातार पुलिस का एक्शन जारी है। इसी के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया कि शुक्रवार को बनभूलपुरा हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक और उसके बेटे अब्दुल मुईद सहित 9 लोगों को पोस्ट जारी किया गया है, क्योंकि उनके कुर्की के आदेश के पहले ही प्राप्त हो चुके हैं। इसी क्रम में उन्होंने बताया कि इन फरार दंगाइयों की संपत्ति के बारे में भी पुलिस द्वारा जानकारी जुटाकर कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा बनभूलपुरा हिंसा में 2 दंगाइयों को और गिरफ्तार किया गया है, जिसके तहत अब तक गिरफ्तार दंगाइयों की संख्या 44 हो गई है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। इस मामले में जो नामजद अभियुक्त थे उनमें से 7 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, बाकी जो 9 लोग थे वो फरार चल रहे थे। हमने कोर्ट से वारंट लिए, कोर्ट से वारंट लेने के बाद में इन लोगों की जो कुड़की है वो हमारे द्वारा की जा रही है। साथ ही चूँकि ये लोग सभी वांछित है, अतः इन लोगों के सभी के पोस्ट चिपकाए गए हैं ताकि इनकी गिरफ्तारी में जनता से सहयोग लिया जा सके। कुड़की की कार्रवाई शुरू हो गई है, जल्दी जैसे जैसे इनकी संपत्तियां और उनका जो जो में पता लग रहा वैसे ही हम कुड़की की कार्रवाई उस जगह जाए। देखिए, हम डाटा ले रहे हैं हर जगह का, तो जैसे जैसे हमें डाटा मिल रहा उसी तरीके से हम हर जगह इनकी कुड़कियाँ करते जा रहे हैं। 2 और नई गिरफ्तारियाँ हैं, तो इस प्रकार से अब इस प्रकरण में जो टोटल गिरफ्तारियाँ वो 40